स्टेनलेस स्टील कढ़ाई जलती हैं क्या? कौन सा साइज लेना चाहिए? लेते समय क्या खास चीज है जो हमें ध्यान देना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह यही अभिलाषा है मेरी। आज मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूं मैं। अभी कुछ दिनों पहले लगातार ही मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कास्ट आयरन कढ़ाई मेरे पास कौन सी है। मैंने अपना कास्ट आयरन कलेक्शन दिखाया और साथ ही कुकर कलेक्शन दिखाया। उन दोनों में जो भी मेरे पर्सनल रिव्यू हैं, मेरा जो व्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर किया विद डिटेल। और आज मैं आपके साथ अपनी स्टेनलेस स्टील कढ़ाई और स्टेनलेस स्टील पैन, सॉस पैन, फ्राइंग पैन, उनका रिव्यू देने वाली हूँ जो मेरे पास हैं, जो मैं उनको यूज़ करती हूँ और यूज़ करने के बाद मुझे कैसा उसमें महसूस होता है। या वो सेम चीज़ आप खरीदने वाले हैं तो उसमें भी 3-4 तरीके की वैरायटी हैं, तो आप लेते समय किन बातों का ध्यान रखें, आइए देखते हैं आज का वीडियो। वीडियो आपको पसंद आएगा ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरे पास स्टेनलेस स्टील कुकर कितने कितने लीटर के हैं और कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कढ़ाई। कढ़ाई में ना 2-3 तरीके के साइज होते हैं। मेरे पास जैसे कि यहाँ पर 3 कढ़ाइयाँ हैं जो कि मैं पहले दूर से दिखा रही हूँ, फिर मैं इन्हीं कढ़ाइयों को पास से दिखाऊंगी। ये है कढ़ाई विद लिड। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, पर मैं उनका ही रिव्यू दे सकती हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ। हाँ, और इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगी कि जिसमें मैं घी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कल ही कमेंट आया है कि अपने घी वाले बर्तन का भी रिव्यू दें, तो इसी में मैं वो भी इंक्लूड कर लूँगी, पॉट वाली चीज़। तो स्टार्ट जैसे कि कढ़ाई से किया, ये मेरी विनोद की कढ़ाई है। और आप कोई भी कढ़ाई कौन सा ब्रांड कर लें वो आपकी चॉइस है, मैं जो यूज़ करती हूँ वो बता रही हूँ। तो ये जो कढ़ाई है ये मैं करीब 2-2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने यूज़ किया है। जब भी आपने मेरे चैनल पर रेसिपीज़ देखी हैं तो मैंने ये और एक दूसरी इंडस वैली वाली कढ़ाई, वो मैं अभी दिखा रही हूँ, वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ लगातार। इसके साथ लिड दिया गया है, ये विद लिड है। अगर आपके पास कई बार होता है कि जब हम कुछ परचेज कर रहे हैं हमारे पास दूसरे यूटेंसिल की लिड है, तो हम एक ही लिड को कई सारे बर्तनों में यूज़ कर लेते हैं कुकिंग करते वक्त। हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ और आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ पैसे लिड की वजह से लग रहे हैं तो आप ये देख करके विदाउट लिड भी ले सकते हैं, या एक बार आपने पहली बार लिया तो आप लिड वाला लीजिएगा। लेकिन ये बात मैं कहना चाहूँगी कि लिड वाला जब भी लें तो स्टेनलेस स्टील लिड वाला ही प्रेफर करना। अगर किसी प्रोडक्ट में आपको ग्लास लिड मिल रही है तो मैं यही कहूँगी कि आप उसे अवॉइड करो। मेरे पास ही बहुत सारे लिड हैं ग्लास लिड वाले, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है, वो हम उन्हें कम यूज़ कर पाते हैं। जो मतलब स्टेनलेस स्टील है वो हम ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेंडली होता है, ईजी होता है उसे यूज़ करना, निकालना, रखना, या आप उसको मैनेज कर रहे हैं या आपके घर में कोई दूसरा भी मैनेज कर रहा है किचन, तो रिस्क नहीं रहता है। उसके चक्कर में क्या होता है, हम उसको बड़ा खास बना देते हैं डेली यूज़ के हिसाब से ग्लास लिड वाला, तो वो साइड में रखा रह जाता है या फिर यूज़ में रहता है, तो कई बार गलती तो इंसान से होती ही है, वो बेचारा चला गया। मेरे साथ हुआ, मेरा विनोद का बहुत ही गजब का पैन है जो मैं सबसे लास्ट में दिखाऊंगी आपको, जिसमें मैं घी बनाती हूँ, उसके साथ ना ग्लास लिड थी और बहुत मजबूत लिड थी वो ग्लास लिड, वो ऐसे वैसे टूटने वाली नहीं थी। इसी घर की, इसी किचन की, इसी स्लैब में मैंने पहले बर्तन धो के ऐसे ही रख दिया था और फिर रखती थी, बहुत सारे बर्तन हो गए, शूटिंग का टाइम था, लास्ट में रह गया था ये वाला लिड ऐसे, और वो कब खिसक के नीचे गिरा धड़ाम से कि चकनाचूर हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्टेनलेस स्टील लिड लेते हैं ना, वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है और हम उसको लगातार बहुत सारे बर्तनों में यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि एक मेरा ये लिड है, अक्सर ही देखा होगा मैं जब भी कुछ कुकिंग कर रही हूँ कास्ट आयरन कढ़ाई में, मैं इसको फटाक से ढक देती हूँ, जबकि कास्ट आयरन कढ़ाई किसी भी कढ़ाई में लिड नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यदि आप कढ़ाई यूज़ करते हैं आयरन की, तो उसके लिए स्टेनलेस लिड वाले बेहतर होते हैं। ग्लास लिड ले सकते हैं, एकाध होनी चाहिए किचन में, खूबसूरत सी चीज़ें भी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ खूबसूरत ही हो, कुछ हमारी ज़रूरत के सबसे मजबूत और टिकाऊ भी हमें रखना होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई। तो ये कढ़ाई है, इसका जो साइज़ है ना वो एकदम मीडियम है, मतलब अगर आप कहें कि फैमिली के हिसाब से
चार लोगों का तो सफिशियंट खाना बनता ही बनता और ज़्यादा ही बन जाता है, मतलब अगर 6-8 लोगों का भी आप इसमें सब्जी बनाएंगे तो बढ़िया है। कभी भी मसाले वाली सब्जी बनानी है ग्रेवी इसमें, तो मैंने बहुत बार वीडियो में भी बताया है और मैं बनाती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। और सेम चीज़ द इंडस वैली की ये कढ़ाई है। अब जब इन दोनों कढ़ाइयों में मैं देखती हूँ तो मुझे, मैं दोनों यूज़ करती हूँ कब कब, ये थोड़ी सी डीप है, ये थोड़ी डीप है। मसाला भून लिया, ग्रेवी वाली ऐसी सब्जी बन गई, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं कढ़ाइयाँ वो ज़्यादा अच्छी होती हैं कुकिंग में। कल भी मैंने ये बात मेंशन की थी कि जिनको हिलाने डुलाने में आराम रहे, अगर हमने सब्जी छोंक दी सारे खड़े मसालों के बाद, फिर हम लोग सब्जी डाल के ढक देते हैं, ढकने के बाद जब हमें 3-4 बार बीच बीच में जो सब्जी हिलानी होती है ना, तो वो जो बड़े बर्तनों में मज़ा आता है, सेटिस्फैक्शन होता है एक्चुअली। और ख़ासकर सूखी सब्जियाँ, ग्रेवी वाली सब्जियों में अगर आपने मसाला भून लिया और फिर आपने सब्जी डाल के ग्रेवी रस्सा वस्सा जितना करना उतना कर लिया, ढक दिया तो चल जाता है। जब हम सूखी सब्जियाँ बनाते हैं स्पेशली फ्राइड, लाइक भिंडी फ्राई चाहिए, गोभी फ्राई चाहिए, जो फ्राई चीज़ें चाहिए, मटर फ्राई चाहिए, फ्राई चीज़ों को जब हम हाफ कुक हो जाती हैं तो हम सभी लोग ऐसा करते हैं कि पूरा फैलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना वो बर्तन से टच हो करके फैला हुआ रहेगा ना, उतना वो क्रिस्प आएगा, वो अच्छी सी करारी होगी। तो फ्राई करने के हिसाब से ब्रॉड, ये मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए कई बार जैसे मैंने डिनर या लंच रूटीन शेयर किया, मैंने दो सब्जियाँ बनाई तो एक को मैंने इसमें बना लिया जिसमें ग्रेवी करके कर दिया, और जो सूखी सब्जी बनानी हो रही होती है वो मैं इससे प्रेफर करती हूँ। इसलिए दोनों ही कढ़ाई का कोई कंपैरिजन नहीं है। रही बात क्वालिटी की, आप दोनों को देख लो, और ये दोनों मैंने गैस में भी यूज़ की हैं, इंडक्शन में भी यूज़ की हैं, क्योंकि जो भी आजकल जो फ्लैट बॉटम आती है ये आप इंडक्शन और गैस स्टोव दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सेम द इंडस वैली में भी है और विनोद में भी है, तो मेरे पास ये ही दोनों कढ़ाइयाँ हैं ब्रांड में, तो ये दोनों से ही मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। आपकी चॉइस है कहाँ आपको ऑफर मिल रहा है, कौन सी आपकी ज़रूरत है, आप ले सकते हैं। साइज़ का ये है कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगी, लिखूँगी कि ये बड़ी, हाँ इसको पहली और इसकी दूसरी ऐसे लिख के रख देंगे, ठीक है। और इसी में मैंने एक कढ़ाई ली थी, देखने में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे क्या लगा कि मेरे पास ये दोनों ही बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, ठीक है, तो फिर मुझे लगा एक छोटी कढ़ाई ले लेते हैं, क्यूट सी मिनी छोटी कढ़ाई जिसमें ऐसे थोड़ी सी सब्जी छौंकी जा सके। कई बार शुभम लोगों के टिफिन में बनानी हो, अब थोड़ी सी भिंडी छौंकनी है तो भी थोड़ी सी पोहे बनाने हैं, तो फिर वो थोड़े से के लिए क्या करना होता है, थोड़ी छोटी कढ़ाई चाहिए थी, पर ना ये हो गया मसला, ये कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई, तो ये साइज़ का मेरे को थोड़ा सा धोखा हुआ। अब मैं बताऊँगी कि ये इतनी छोटी भी नहीं लग रही देखने में, लेकिन फिर भी मैं इसको इतनी छोटी क्यों कह रही हूँ। जब हम इसमें लिड लगाने लगते हैं ना सब्जी छौंकने के बाद या पोहे के बाद, तो ये जो हैंडल कढ़ाइयाँ होती हैं इनमें ये जो डॉट्स आते हैं, ये जिनसे ये कुंदे से फंसा हुआ होता है हैंडल, हमें लिड यहीं पे आके कवर हो, यहीं पे फैल जाती है। जैसे ये देखो, ये नीचे तक गई ना, तो ये जो ये हुक कुंदे हैं ना, यहाँ तक आके के इनको ढक जाना है, तो इस कढ़ाई में यही होता है। सब्जी इसके नीचे रखनी है, ये इसके नीचे रखनी है, तो फिर वो इतना सा ही कटोरा बचा ना, छोटा वाला ही साइज बचा, तो ये बहुत छोटी है। और फिर बाद में मैंने ध्यान दिया, इसमें साफ साफ लिखा था ओनली 2 पीपल, तो मुझे खूब हंसी आई कि 2 लोगों के लिए खाने का था, हम तो 3 तो मिनिमम मान के चलें, 2 लोगों के लिए बिल्कुल सफिशियंट, 2 जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी थोड़ी सी सब्जी बनानी है तो उसके लिए बेहतर है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है साइज, ये आइडियल साइज है ये और ये, जिससे आप छोटी फैमिली का भी बना सकते हैं और बड़ी फैमिली का भी खाना बना सकते हैं। ये दोनों तो मेरी कढ़ाई हो गई, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि अब हम कढ़ाई ले रहे हैं तो हम कौन सी लें, तो मैंने ऐसा नोटिस किया और ये बात मैंने कल भी बोली थी कि क्यों कास्ट आयरन पसंद आता है ज़्यादा। एक्चुअली क्या है, ये इसको तेज़ आँच में पहले तो आप यूज़ नहीं करेंगे गैस में, ये इंस्ट्रक्शंस हैं साफ साफ, स्टेनलेस स्टील किसी भी ब्रांड का लो, आप तेज़ हाई फ्लेम पे कुकिंग नहीं करना है, आपको हमेशा मीडियम फ्लेम पे कुकिंग करनी है, केयर तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको ये शाइन चाहिए 4 साल बाद 2 साल बाद भी। दूसरा, स्क्रैचेस नहीं आए, जिससे खरोचेंगे कम तो इसकी स्टील होगी हल्की कम, और जब हल्की होगी कम, ये हैवी रहेगा बॉटम तो जलेगा नहीं। मेरे से पूछोगे कि कौन सी लें, तो मैं ये कहूँगी कढ़ाई का साइज़ यही लो,
ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील ही लेना। मार्केट में लेते समय आपको ये बात साफ साफ पूछनी होगी, या आप ऑनलाइन भी ले रहे हैं तो आपको ये साफ साफ देखना होगा कि ये जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं ये ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील है कि नहीं। ट्राई प्लाई ट्रिपल प्लाई स्टेनलेस स्टील, जिसमें बीच में होगा एल्युमिनियम और ऊपर और नीचे होगा स्टेनलेस स्टील, वो बहुत ही अच्छे हैं, चाहे आप कोई सा भी लो। लेकिन आप क्या करो कि ये हैंडल ना हो, सच्ची कह रही हूँ, क्योंकि ये जो हैंडल के जो डॉट्स होते हैं ना कढ़ाई में, यहाँ पर मसाला भी चिपक जाता है। क्लीनिंग में जो खुद से साफ कर रहा है अच्छे से वो साफ कर ही लेगा, जिसको दूसरे को करना है वो सीधा तार और कोई भी चीज़ ऐसे स्क्रब करके खरोंच देगा। ये जो किनारे होते हैं ये धीरे 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 आपने देखे होंगे एल्युमिनियम की कढ़ाई लोगों की पूरी आपको सफ़ेद मिलेगी, आपको यहीं से हमेशा काले काले निशान देखेंगे कुछ लोगों के घरों में, जो लोग मतलब कुछ लोगों के घर में एल्युमिनियम की कढ़ाई में यहाँ पे ऐसे ऐसे काले काले, क्योंकि ये जो हैंडल्स का डॉट्स होते हैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए अब ट्राईप्लाई तसला कढ़ाई चलती है, ट्राईप्लाई तसला कढ़ाई, वो यदि आप लेंगे ना तो वो जलती भी नहीं है, कटोरे नुमा एकदम साफ हो जाती है, झकाझक चमकती है ऐसे ही, और उसका सेम बॉडी होता है, वो भी आप इंडक्शन में और गैस स्टोव दोनों में यूज कर सकते हैं। ट्राईप्लाई तसला कढ़ाई करके ये देखो, ये जो बॉटम है यही बॉटम मिलेगी उसमें, ऐसे ही तसले होंगे साइज, हैंडल नहीं होगा, तसला कढ़ाई, लिड भी रहेगी स्टेनलेस स्टील वाली, बढ़िया छोटी वोटी मतलब सूखी सब्जियां भी इसी तरीके से फ्राई करो, छौंको बघारो, वो बढ़िया है। और हैंडल क्या है कि सिर्फ हमें उठाने पकड़ने के लिए काम आने की चीज़ है, उसके हिसाब से ये अच्छा है। तो आप कोई सा भी कढ़ाई ले सकते हैं, ये बहुत छोटी पड़ेगी और ये इसके साथ लिड है, और इसके साथ नहीं था क्योंकि मैंने विदाउट लिड ली थी, मुझे लगा इसमें तो हम दूसरा भी लगा देते हैं, तो चाहे वो वाला लगा लो और चाहे वो ये वाला लगा लो। मैं एक बार पास से ये तीनों कढ़ाई दिखाती हूँ, ये जो मैंने पहले दिखाई थी और ये जो बाद में दिखाई है, और ये दोनों ही आपने रेसिपीज में नोटिस किया है। अब इनके सामने देखो ये छोटी लग रही है ना, ये देखो यहाँ ये जो डॉट्स हैं इसके नीचे ही अगर लिड आएगी ढक जाएगा, या सब्जी इसके ऊपर रहेगी तो पूरा उसमें भिड़ता है। इसमें देखो ऊपर हैं कुंदे, ये भी, तो ये दोनों ही कढ़ाइयाँ अच्छी हैं, आप चाहे जो सभी लो, और दोनों ही ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील हैं। ये रहा तसला कढ़ाई जिसकी अभी मैंने बोली नहीं बात, लिड है लेकिन लिड में हैंडल नहीं है, जैसे कि इस कढ़ाई की देखो लिड में हैंडल है, ऐसे हैंडल नहीं है इसमें, ये प्लेन है। और ये देखो चीज सेम है, ये आती है तसला कढ़ाई करके, या ये वाला द इंडस वैली का है, बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसको क्लीनिंग करने में बहुत इजी रहता है, जब भी गोल रहता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा एल्युमिनियम की भी कढ़ाइयाँ इस शेप की रहती हैं, और या स्टेनलेस स्टील की भी, और वो एकदम सफ़ेद हमेशा रहेंगी। और ख़ासकर कंपैरिजन अगर आपको इस चीज़ से करना हो कढ़ाई में और इसमें, तो एक ही एग्जांपल में दे सकती हूँ, एल्युमिनियम के जब ये कढ़ाई आती हैं गोल वाली, और जिन घरों में कुंदे वाली होती हैं ये कुंदे की जगह ब्लैक मिलेगी, लेकिन ये वाली कढ़ाई उनके घरों की भी एकदम चमकती रहेगी। इसका मतलब मेंटेन करने वाला शख्स एक ही है, लेकिन इसमें साफ करने में इजी रहता है, और इसमें कुंदे की जगह पे वो थोड़ा सा डार्क होता होता चला जाता है, तो एक निशान नजर आता है, पूरी कढ़ाई आपको सफ़ेद नहीं दिखेगी, ये वाली पूरी दिखेगी सफ़ेद, तो ये बहुत सही है। अब ये भी ट्राईप्लाई ही है, ट्राईप्लाई वाला ही लेना, लेकिन नॉर्मल नहीं लेना, तसला तो फूक ही जाना है, क्योंकि नॉर्मल जो होती है ना स्टील, वो मैं दिखाऊंगी आपको। एक मैंने ऑनलाइन कढ़ाई ली थी, वो बहुत पहले ली थी, स्टेनलेस स्टील कढ़ाई और ऑफर, लेकिन वो कढ़ाई तो कढ़ाई है लेकिन वो कढ़ाई नहीं है, वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये ट्राईप्लाई तसला कढ़ाई है विद लिड, और सेम वही चीज है, देखो कढ़ाई जैसा ही है पूरा, तो ले भी सकते हैं ये वाला हैंडल, ये भी देख लेना, ये है वो कढ़ाई जो मैंने ऑनलाइन ली थी, है ना, कढ़ाई देखने में फोटो के हिसाब से तो कढ़ाई लगी थी, लेकिन ये जो है ना ये वाले हैं, तो इसलिए आप ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील की ही कढ़ाई लेना, वो सबसे बेस्ट होगा, चाहे जो भी लो आपकी चॉइस है। अब बात करते हैं फ्राइंग पैन की, कि कौन सा फ्राइंग पैन अच्छा है। जैसे कि मेरे पास जो भी फ्राइंग पैन है वो है द इंडस वैली, मैं वही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये भी खास बात है कि ये ट्राईप्लाई है।
आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा अंतर बताऊंगी कि जब भी आप फ्राइंग पैन ले रहे हो तो ये तो फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन शुरुआत से ही हो रहे थे, जब भी स्टार्ट हुए फ्राइंग पैन घरों में, ऑमलेट बनाना है या फिर कुछ हल्की सी चीज़ें भूननी है, ड्राई रोस्ट करना है तो फ्राइंग पैन का यूज़ कर लिया। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जब फ्राइंग पैन है तो हमें थोड़ी सी सब्जी बनानी है तो हमें लगता है हम चलो इसी में बना लेते हैं, या हमने पनीर मैरिनेट करके हल्का सा फ्राई करना है तो फ्राइंग पैन में कर लेते हैं। ये जो बॉटम का जो साइज है, ये जो आइडियल फ्राइंग पैन है, ये ना लेते हुए आप लेना ये डीप फ्राइंग। अब हुआ क्या, ये है दोनों ही द इंडस वैली की है, मैंने यूज़ किया तब मैंने बाद में जाना, ये दोनों ही द इंडस वैली फ्राइंग पैन है, ये मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने अभी कुछ बार यूज़ किया है। जब कुछ बार इसको यूज़ किया फर्स्ट टाइम पे ही लगा कि ये चीज़ सही है, क्यों, क्योंकि जब इसमें हम चाहे सिर्फ हमने पनीर ही पूरे डाले और हमने उनको पलटना है, फ्राई करना है या कुछ अलटना पलटना है, तो ये जो बॉर्डर है ना ये कम होती है तो इससे बाहर आ जाता है। वीडियो में भी कई बार जैसे अभी हमने कोई चीज़ डाली और फिर उसको कवर कर दिया, अब हम 2-3 मिनट बाद इसको हम हिला रहे हैं तो गिर जा रहा है इंडक्शन में, साइड में आया है कई बार। जब ये वाले में किया तो ये डीप है, तो जो काम हम फ्राइंग पैन का जैसे ड्राई रोस्ट करने वाला काम है वो तो हम इसमें कर ही सकते हैं, आपको ऑमलेट बनाना है वो भी आप इसमें बना ही सकते हैं, प्लस इसमें आप सब्जी भी बना सकते हैं। तो जब आप फ्राइंग पैन लें तो मैं यही कहना चाहूँगी कोई भी लो, किसी भी ब्रांड का लो, कोई भी साइज लो, डीप फ्राइंग पैन चेक करके लेना। जो डीप फ्राइंग पैन है इसकी ये जो साइड बॉडी है ये थोड़ी हाइट में है और ये जो रेगुलर फ्राइंग पैन है ये डिफरेंस है दोनों में, तो मेरा सजेशन है ये वाला लेना। अब ये तो पहले से है तो है, अब कुछ नया खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें भी जब आप ये लेने लगेंगे ना डीप वाला, तो डीप में भी आपको 2 चॉइस मिलेंगी, जैसा एक डीप ये हो गया और दूसरा डीप है ये वोक पैन, लाइक वोक पैन। तो वोक पैन में जो मैंने कल बताया था ना कि नॉन स्टिक का जो है कास्ट आयरन का वोक पैन है वो बहुत हल्का है, उसमें सिर्फ आप चाइनीज़ बना सकते हैं, लेकिन इसमें आप अच्छी खासी मज़े की इंडियन कुकिंग कर सकते हैं, खूब मसाला भी इसमें भून सकते हैं क्योंकि ट्राई प्लाई है, कढ़ाई वाला है और इसमें कुकिंग भी पूरी प्रोसेस में होती है। ये देखो कटोरे जैसा, मतलब कढ़ाई जैसा, ये जो तसला कढ़ाई में हैंडल लग गया, अगर ये कहें तो कुछ गलत नहीं है, इस तसला कढ़ाई में हैंडल लग गया तो ये डीप हो गया। ये देखो बस साइज इसका छोटा है, इसका थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वोक पैन जैसा है, स्टेनलेस स्टील का आपको लिड भी है, यानी कि ये कढ़ाई जैसा है, वन हैंडल कढ़ाई, ये कढ़ाई। अब ये कढ़ाई है जिसमें कि 2 साइड आपको कुंदे नहीं मिलेंगे, एक साइड वाला कुंदा रहेगा एक साइड हैंडल की वजह से और दूसरा ये प्लेन रहेगा, इसमें लॉन्ग हैंडल है और कढ़ाई में स्मॉल हैंडल होते हैं, ये साथ में लिड भी है। तो इन दोनों फ्राइंग पैन में तो मुझे ये वाला पसंद है, डीप वाला। अब इन दोनों में से कौन सा लेना है ये आपकी ज़रूरत है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि फ्राइंग पैन हमें सिर्फ शॉर्ट कामों के लिए चाहिए, कुकिंग के लिए, ड्राई रोस्ट करना है या फिर थोड़ी सी सब्जी बनानी है या पनीर वनीर कुछ ऐसे सौते करना है, उसके हिसाब से ठीक है, और तो ये दोनों आपकी ज़रूरत के हिसाब से। ये इसलिए मैं अगर सोचूंगी तो मुझे कम यूज़ में आता है क्योंकि ऑलरेडी इतनी कढ़ाइयाँ हैं, तो ये काम इसके लिए है। दाल वाल तड़का बनाना है, दाल फ्राई करनी है, कुकर में दाल पक गई और इसमें आपने फ्राई कर लिया, राजमा छोले जो भी है, मसाले पूरे खूब अच्छे भुनते हैं क्योंकि जैसी ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील है ये, वही जो सेम कढ़ाई वगैरह में होती है और विद लिड है। तो ये भी है फ्राइंग पैन, ये भी है फ्राइंग पैन, वो पिक्चर से ही आपको समझ में आएगा। देखूंगी इसकी लिंक तो मैं दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। तो ये 3 फ्राइंग पैन है, ये तीनों ही मेरा आप पास से देख सकते हैं, ये और ये देखो इसके हाइट में फर्क आया पास से, और ये जो डीप वाला है, तो ये तीनों ही है इसमें, ये लिड है, ये विदाउट लिड है, आप अपने दूसरे लिड इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई कढ़ाई और फ्राइंग पैन, और ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई मैं सिर्फ कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, फ्राइंग के लिए कास्ट आयरन कढ़ाई यूज़ करती हूँ।
अब जब कढ़ाई और पैन हो गई तो ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करते हैं तो फिर अब इसके बाद आती है बारी न्यू यूटेंसिल में स्टॉक पॉट। ये स्टॉक पॉट आपने रेगुलर देखा है, मैं यूज करती हूँ। ये भी वही चीज है ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में, और इसमें ये फर्क है लेते वक्त कढ़ाई में कुकिंग के बाद हमें कोई भी चीज फिर ट्रांसफर करनी है। सपोज हमने राजमा या छोले बनाए या हमने कोई ऐसी चीज कढ़ी वगैरह बनाई जो हमें कढ़ाई पे ही बनानी है, हमने बना ली, फिर हमें उसको ट्रांसफर करना है और फिर डाइनिंग टेबल में रखना है। डाइनिंग टेबल में थोड़ा खाना बच गया, हमें फ्रिज में ठिकाने लगाना है। तो मैंने ऐसा नोटिस किया कि ये काम अच्छा करता है। साइज क्यूट से है, मिनी साइज है, जैसे हम लोग भगोनी, इस साइज की भगोनी तो फ्रिज में पहुंचाते ही हैं, तो आप रख सकते हैं। ये देखने में एक फैंसी लुक देता है, तो आप इसे डाइनिंग टेबल में यूं ही रख सकते हैं। तो ये स्टॉक पॉट है, लेकिन है ये ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील। इसमें आप पुलाव, बिरयानी वगैरह बना सकते हैं, कोई स्वीट डिश बना रहे हैं जैसे चावल की खीर, जिनको पकने में टाइम लगता है इसीलिए हम लोग कढ़ाई में बनाते हैं, तो ये ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील है। इसमें भी घी वी डाल के तेल, कुछ मसाला भी इसमें अच्छा भुनता है। मैंने एक दिन इसमें मसाला भी भुना है, राजमा कुकर में बॉयल किया था और राजमा बनाने थे, हाँ कुकर में बॉयल करके फिर इसमें मैंने राजमा का पूरा मसाला इसमें ही भुना था, तो सेम वैसे ही भुना जैसे ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में भुनता है। और भुनने के बाद फिर मैंने वही राजमा डाल दिए, क्योंकि अब क्वांटिटी एक कप बॉयल राजमे की बनानी है दो लोगों के लिए, तो ये छोटी फैमिलीज के लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अगर आपको कम बर्तन होने वो तो एक अलग चीज़ है, इसी इसमें आपने ये कुकिंग एंड सर्विंग का काम करते हैं स्टॉक पॉट, सिर्फ इसलिए ये बेस्ट है। बाकी रेगुलर तो वो आपको पता है उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब छोटी फैमिलीज हो गई हैं, थोड़ा फैंसी भी रखना है यूटेंसिल, तो उसके लिए ये स्टॉक पॉट है। तो क्योंकि इसी साइज की अगर भगोना है घर में, पुराने भगोने पड़े हैं दूध वाले जो एक लीटर वाले हैं, कहाँ कोई यूज़ करता है, ना तो उसमें ट्रांसफ़र करते हैं हम खाना, ना उसमें कुकिंग करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल स्टील है। नॉर्मल स्टील की वजह से हम कुकिंग उसमें कर ही नहीं सकते हैं। ये ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील है जिसकी वजह से हम इसमें कुकिंग भी कर सकते हैं। जैसे कढ़ी बनानी है थोड़ी सी कढ़ी, क्योंकि कढ़ैया में कढ़ी बनाओ तो पूरी वो कढ़ैया भर के बन जाती है, तो एक फिक्स नाप के साथ बनानी है। ये सब बढ़िया है, कढ़ी छोंक दो पक गई, ढक के अपना सर्व कर दिया। तो जैसे पुलाव, तहरी, कढ़ी, कॉम्बिनेशन मसाला, खिचड़ी, कढ़ी, तो ये कढ़ी के लिए बहुत अच्छी है। और स्टॉक पॉट में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक स्टॉक पॉट ये बहुत बढ़िया है पुलाव वगैरह के लिए। मैंने एक कुकर वाले दिन बताया था कि हमेशा चावल जब हमें कुक करना है, पुलाव, बिरयानी, कुछ भी ऐसा बनाना है, हमेशा बड़ा बर्तन यूज़ करना चाहिए। चावल की क्वांटिटी कितनी भी हो, से पाँच गुना साइज़ बड़ा हो, एक किलो चावल है, पाँच किलो वाला, पाँच लीटर वाला कुकर यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही इसमें मैंने बनाया था न्यूट्रीला पुलाव या छोले पुलाव बनाए थे, बॉयल छोले और फिर पुलाव उसमें छौंका, ऐसा खिला खिला बिखरा बिखरा। और इसी केस में इसको भी बहुत ही, मतलब मैं तो क्यूट ही कहूँगी, क्योंकि जैसे कढ़ाई में बनाओ ना पुलाव एकदम बिखरा बिखरा बनता है, कुकर की अपेक्षा इनमें ऐसे खिले खिले दाने रहते हैं। ये स्टॉक पॉट है, तो कढ़ाई का काम तो ये करता ही है इसमें भी वही है, सब्जी, राजमा, कुछ भी बनाना है। और ये ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील है, फ्लैट बॉटम जैसे सभी में होती हैं, तो इंडक्शन और गैस दोनों में यूज़ होता है। इसका जो ये ब्रॉड है ना, ये ब्रॉड की वजह से जैसे कढ़ाई में भी थोड़ा फैलाव रहता है, कढ़ाई थोड़ी सी फैली हुई सी रहेगी। ये देखो, ये इसकी गहराई और ऊंचाई भी ज़्यादा है, मतलब इसमें कुकिंग भी जल्दी हो गई थी, जैसे कि राजमा कुकर में बॉयल हो गए हैं और फिर इसमें आप छौंक दो तो मसाला भी पूरा अच्छा भुनेगा, फिर आप इसमें पलट के भी रख सकते हो। और ये कढ़ाई से थोड़ा सा स्टाइलिश कह सकते हैं, कढ़ाई मतलब रख दी डाइनिंग टेबल में, लगता है कि गैस के बर्तन उठा के रख दिए, कुकर और कढ़ाई रख दो तो वही वाली फील आती है। मैं तो हमेशा ही ट्रांसफ़र करती हूँ, मेरी मतलब आदत में है, मुझे सर्विंग बर्तन और कुकिंग बर्तन दोनों में अंतर ही, शुरू से ही मैं डोंगे हमेशा यूज़ करती हूँ। तो ये जो है ना, इन इन चीज़ों को अपना फैमिली के साथ लेके बैठ के रात का खाना तो शॉर्टकट एक में बनाया और खाया और निपटाया। तो ये छोटी सी हांडी तो नहीं कह सकते इसको, ना ये कढ़ाई है, स्टॉक पॉट है, ये साइज़ बड़ा है, जैसे इसका साइज़ छोटा है ये बड़ा है। ये छोटी लिक्विड कुकिंग के लिए अच्छी है, ये पुलाव वगैरह के लिए तो मस्त है एकदम, बिरयानी वगैरह के लिए, बिरयानी पॉट भी आप इसको अपनी ओर से कह सकते हो। तो ये दोनों भी स्टॉक पॉट है, इसका साइज ये है और इसका साइज ये देखो साइज में पास से, और ये
ये भी द इंडस्ट्री वाली का ही है। लेकिन अब पता है ये तो हैंडल हो गया स्टॉक पॉट, आजकल बहुत से विदाउट हैंडल भी बर्तन आ रहे हैं। ये बोरोसिल का है मेरे पास, छोटी सी क्यूट सी भगोनी, बोरोसिल ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील भगोना। कभी लिया नहीं था, पहले वो प्लेन वाले ही भगोने थे जो नॉर्मल दूध उबाले जाते हैं। लेकिन इसमें कुकिंग करना, मतलब मैंने इसमें क्या बनाया है, चावल की खीर पकाई है, ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाई है। ये मैंने अपना स्पेशल बासुंदी और खीर के लिए बनाई रखा है, क्योंकि बासुंदी के लिए हमको लंबे समय तक दूध को गाढ़ा करना होता है। अब हो गए हैं इंस्टेंट प्रीमिक्स, उनमें दूध भी नहीं गाढ़ा करना, दूध डालो पैकेट डालो, बस उसको थोड़ी देर पकाना है, बस वो बर्तन में जले नहीं चिपके नहीं। जब भी हम खीर या बासुंदी बनाते हैं हमारी यही एक खास शर्त होती है, बर्तन में ना चिपके। ये बोरोसिल का ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील भगोनी है, जब से ये आई है मैंने इसमें हमेशा मीठा ही बनाया, चाहे सेवियों की खीर, चावल की खीर या फिर बासुंदी। और अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा मैंने थाली भोज बनाई थी, मैं घंटों दूसरे काम कर रही हूँ, इसमें धीमी आंच में बढ़िया बासुंदी रबड़ी जैसी पक गई। और उससे भी मजेदार बात, वो कढ़ाई से खरोंच खरोंच के मलाई नहीं निकालनी पड़ी, बर्तन खाली नहीं करना पड़ा, क्योंकि कढ़ाई में बासुंदी बने फिर उसको पलटना ही है, इसमें ही मेरी बासुंदी बन गई। और इसको, इसका एक लिड है छोटा सा प्यारा सा वही बोरोसिल का, उसको इसमें ढक के और ऐसे ही ऐसे ठंडी हो गई, इसे फ्रिज में पहुंचा दिया। फ्रिज में रखने से बासुंदी और गाढ़ी हो गई, शाम को जब आया ट्यूशन से जब दिया बहुत गाढ़ी थी, मतलब यानी कि जो कुकिंग हुई और ये इसने काम हमारा आसान कर दिया, ना कढ़ाई से पलटना। तो ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में ये खासियत है, अब जो भी गृहस्थी लेनी है वो ट्राईप्लाई देख करके लेनी है, चाहे आप एक छोटी सी चीज़ क्यों नहीं ले रही हो, अगर वो है जैसे ये छोटे सा भगोनी है, अगर ये ट्राईप्लाई है तो ले लो, आपके ये काम ही आने वाला है। तो ये हो गया स्टॉक पॉट में। भगोने के बाद बारी आती है सॉस पैन की। हमारे यहाँ चाय ज़्यादा लोग नहीं पीते हैं, फिर मैं ही पीती हूँ, तो मेरा तो स्टेनलेस स्टील का जो चाय का बर्तन है उसमें ही चाय बन जाती है। लेकिन ये जो सॉस पैन है मिल्क बॉइलिंग के लिए भी बहुत बढ़िया रहते हैं, क्योंकि ये भी ट्राईप्लाई है, ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील, इनमें दूध तो उबलेगा ही और बाकी बासुंदी भी इसमें भी बनेगी, लेकिन आप बासुंदी को काली करनी पड़ेगी दूसरे बर्तन में। पर इसमें कुकिंग भी करते हैं बहुत से लोग, बहुत से लोगों को जैसे कढ़ाई वढ़ाई बड़ी पड़ जाती है ना, साइज छोटी सी जगह है किचन में रखने के लिए, इसलिए भी लोग स्टॉक पॉट और सॉस पैन यूज़ करने लगे। जो कुकिंग हम फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में करते हैं वो सारी चीज़ें लोग इनमें करने लग गए हैं अब, क्यों, क्योंकि उनको ये इजी हो गया है, ये स्पेस कम लेगा, उतना ही लेगा ना घेरा, एक के ऊपर रखने होते हैं सारे बर्तन। ये विद लिड है और ये है सॉस पैन, कहने का सॉस पैन है लेकिन वो हमारे पुराने वाले चाय के बर्तन जैसा नहीं है, ये सारे काम करता है, क्योंकि ये है ट्राईप्लाई, इसमें कुकिंग प्रोसेस सारे होते हैं। ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं, बहुत हैवी और मजबूत और भारी है सच में, इसका वजन तो कढ़ाई से ज़्यादा वजन है। इसमें धीमी धीमी आंच मसाला बहुत अच्छा भुनता है, और ढकना है और पकाना है। यदि आप इसमें ढक के जैसे चावल वगैरह पुलाव वगैरह बनाते हैं वन पॉट मील, उसके लिए भी बढ़िया है ये, मिलेट्स खिचड़ी वगैरह इसमें अच्छी पक जाती है, काफ़ी हैवी है ये। और इसी तरीके से खिचड़ी के लिए जो हम बात करें, पुलाव के लिए ये भी है सॉस पैन, ये भी सॉस पैन वही ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील, कुकिंग के लिए, ये सिर्फ दूध उबालने के लिए नहीं है, हैं तो नाम की ये दूध मिल्क बॉयलिंग, लेकिन ये सिर्फ दूध नहीं उबालते हैं, ये पूरी कुकिंग करते हैं, जो हम कढ़ाई में करते हैं या फ्राइंग पैन में करते हैं, हमारी चॉइस हो सकती है, हमारी किचन के हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से हम ये सॉस पैन भी ले सकते हैं। मतलब इनमें हर काम आपका पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ होगा, क्योंकि वो जलेगा नहीं ट्राईप्लाई होने की वजह से, और विद लिड है, साइज छोटे से ऐसे भारी भरकम कढ़ैया जैसे, नहीं कढ़ैया कढ़ाई देखो ना, जैसे बड़ी फैमिली का खाना बन रहा है कढ़ैया भर के, और कैपेसिटी इनकी उतनी रहेगी, जो कढ़ैया भर के राजमा बनेगा ना वो अगर कभी पलटते हैं, हम लोग तो डोंगा में ही तो आता है या हांडी में आता है, यानी कैपेसिटी उनकी उतनी है, लेकिन वो देखने में इतने भारी भरकम होते हैं, वो काम ये थोड़े से डेलिकेट से है। इसकी जो रिम है ना, ये कलर चेंजिंग रिम है, जब भी हम कुछ बॉयल कर रहे होते हैं अगर वो ऊपर आने को होता है तो वो रेड हो जाती है ये रिम, और बाकी ये तो नॉर्मल ही है, ये ऐसे लिड। ये हो गया स्टेनलेस स्टील कलेक्शन, लेकिन हीरो हीरोइन अभी बाकी है मतलब ये कि लास्ट
जो है प्रोडक्ट वो अभिलाषा घी किसमें बनाती हो, जिसमें घी बनाती हो ना उस बर्तन का रिव्यू दो, ऐसा लिखा कल किसी ने। घी बनाने वाला बर्तन बहुत सालों से मैं यूज कर रही हूँ, ये है देखो अभी भी इसमें ही मैंने मलाई निकाल के रखी है, हालांकि रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, कितनी दफा तो शेयर कर चुकी हूँ। ये मलाई भर के रखी है मैंने, फ्रिज से निकाल लिया था, फ्रिज में दूसरे बर्तन में रखा था कटोरे में, फ्रिज में ये नहीं रखती इतना बड़ा बर्तन, डोंगा रखती हूँ, तो मैंने कल इसमें से मलाई भर के इसमें रख ली थी कि मलाई फेटूंगी। ये विनोद का है, 12 साल पहले का विनोद का ये सैंडविच बॉटम वाला स्टेनलेस स्टील पैन था। जब मेरा माइक्रोवेव है, ये 12 साल माइक्रोवेव की भी हो गए हैं, जो बेचारा कन्वेक्शन काम नहीं करता, मुझे अब इस दिवाली ओटीजी लेने वाली हूँ, मैं नया ओटीजी लूँगी, फिर आपके साथ बेकिंग की बहुत सी रेसिपीज शेयर करूँगी। तो ये 12 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, घी तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें ही पकाती हूँ, विनोद का है, इसमें मलाई फेटूंगी, जो इसका पानी आएगा बटर मिल्क वो दूसरे बर्तन में पलट लूंगी, और इसमें ही सफ़ेद मक्खन रहेगा उसे गर्म करती हूँ, और कितने सारे तो वीडियो देखे होंगे मुझे तो गिनती भी याद नहीं है, इसमें ही घी बनाती हूँ। ये विनोद का है, इसके साथ ग्लास लिड मिली थी, जो ग्लास लिड मैंने धो मांझ के यहाँ रखी थी और मेरे हाथों से गिर गई थी और वो चकना चूर हो गए, लेकिन ये काम आता है। अब इसमें कुछ भी करती हूँ तो फिर वही पुराना वाला जो एक है ना स्टील वाला, वो फिर ऐसे ढक लेते हैं। ये पहले बहुत आते थे विनोद के, लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही हो, मेरी चाची हैं गोरखपुर में रहती हैं, जिनके पास अभी मैं गई थी, उनके पास ऐसे तो कम से कम 8-10 भगोने हैं, विनोद के भगोने आते हैं और इसी तरीके के होते हैं, हैंडल नहीं मिलेगा, पैन जैसा नहीं रहेगा, वो स्टॉक पॉट नहीं रहेगा, यानी कि स्टॉक पॉट जो अब चल रहे हैं, यानी कि ये पहले से ही था, बस हमें इनका नाम नहीं पता था कि इनको स्टॉक पॉट भी कहते हैं, हम तो इनको पैन समझते थे, तो वो ये हैंडल नहीं है, भगोने हैं चाची के पास, और यही क्वालिटी, तो मुझे लगता है आप वो ले करके ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घी चिपकता नहीं है, जलता नहीं है कभी भी, मैं जब भी घी बनाती हूँ, आज बनाऊँगी तो वैसा ही रहेगा, इसी में घी पकाती हूँ मैं। ये सेम चीज़ नहीं मिलती है अब हैंडल वाला, लेकिन भगोने मिलते हैं आज भी और चाची के पास हैं, तो आप मार्केट में देख सकते हैं। इसी का मुझे दूसरा चाहिए था, तो मैंने जो विनोद का मंगाया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें कितना बड़ा फर्क है। ये तो ये विनोद का नहीं है, डोनिव है, जैसे विनोद का वी लास्ट में आई एन ओ डी, डोनिव लिखा है, लिड है, और ये इसकी जो बॉटम है ना, इसमें बहुत फर्क है, ये देखो, ये है तो लगा तो है सैंडविच बॉटम, लेकिन उसमें और इसमें वो चीज़ नहीं है, वो ज़्यादा मतलब हैवी है, और ये कई बार मैंने घी पकाया इसमें, जैसे मलाई फेंटने में, ये थोड़ा सा बड़ा बर्तन है ना, तो वो ज़्यादा मलाई रही तो वो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो फिर मैं वो मलाई इसमें पलट के एक बार मैंने इसमें फेंटा और फिर इसमें ही पका लिया, सोचा इसमें ही तो डला हुआ है, चलो इसमें पका ले, पका लिया, पर जला नहीं था इसमें भी, ये है, लेकिन वो सेम क्वालिटी नहीं है, पर इसमें भी घी बना वैसा ही जैसा वो है, मैं लगातार हिलाती हूँ, खैर ये भी है, और आज को धीमी रखो या फिर इंडक्शन में यूज़ करो तो बर्तन नहीं जलता है, कुछ चीज़ों को तो ध्यान रखना पड़ता है घी पकाते वक्त, वो करते करते अपने को प्रैक्टिस हो जाती है, पर ये भी है विनोद का, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। तो ये दो बर्तन हैं घी के, जिनमें मैं घी इसमें बना लेती हूँ या उसमें बना लेती हूँ, इसमें भी मैंने बहुत बार घी बनाया और वीडियो में भी देखा है आपने, तो पास से देखो आप, ये लिखा है डोनिव, ये इसमें ही मैं घी पकाती हूँ और या फिर इसमें पकाती हूँ, ये दो बर्तन हैं घी के, इन्हीं दोनों में हमेशा घी बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो, जिसमें कढ़ाई, फ्राइंग पैन, सॉस पैन और स्टॉक पॉट, इन चारों का रिव्यू है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप कोई भी ले सकते हैं, बस लेते समय इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और क्या जानना है इनके बारे में, या आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।